Welcome to new video, guys. Today we are talking about Yamaha MT-15 BS6 models. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में MT-15 BS6 model का complete review करेंगे. देखिए दोस्तों, जो Yamaha की MT-15 आती है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हो उस बाइक को 150 सेगमेंट में नेकेड बाइक में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है. ये बाइक की जो लुक है ना, वो काफ़ी यूनिक है. बाइक की जो परफॉर्मेंस एंड पावर है, वो भी काफ़ी अच्छी है. बाइक की जो हेडलाइट है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से Yamaha की तरफ से डिजाइन किया गया है. इस बाइक में कोई कमी नहीं है. अगर आप चाहें तो इस बाइक बिल्कुल परचेज कर सकते हैं. यामाहा की जो MT-15 BS6 मॉडल आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये बाइक मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है. आप लोगों को ये बाइक कैसी लगती है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. बात करते हैं यामाहा MT-15 BS6 मॉडल के बारे में. दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे, प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें. चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अगर हम चाहे बाइक हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सामान हो, अगर हम उस चीज़ को खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने बजट पे नज़र डालते हैं, उसके बाद ही हम उसका स्पेसिफिकेशन एंड अदर चीज़ें जानते हैं. तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों का भाई आप लोगों को सबसे पहले प्राइस बताता है, उसके बाद ही बाइक का रिव्यू करता है. चलिए दोस्तों, बात कर लेंगे इस बाइक के बारे में. इसका दोस्तों एक्स शोरूम जो प्राइस है, जी हाँ, इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों, वो है 1,40,000 रुपीज़. 1,40,000 रुपये में ये बाइक हमें एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है. अब बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो मैं आपको दो चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ. पहली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बाइक का जो प्राइस है दोस्तों, वो थोड़ा सा बड़ा है, 2,000 से 3,000 रुपये पर. R15 V3 भी बड़ी है, या हमारे MT-15 का भी प्राइस बड़ा है. साथ में दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के एंड मेरे यहाँ स्टेट में अलग है, इसलिए दोस्तों जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस, वो भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा. हमारे यहाँ ये बाइक 1,66,000 रुपीज़ के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है, 1,66,000 रुपये. अब आप लोगों के इसका क्या प्राइस है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में. सबसे पहले दोस्तों, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे. इंजन टाइप में लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्वो इंजन देखने को मिल जाता है. 155 cc का इंजन इसमें यूज किया गया है, जी 155 cc का इंजन. सेम R15 V3 में भी 155 cc का इंजन आता है. इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को मैक्सिमम पावर में 18.5 का PS पावर मिल जाता है, जो कि 10,000 RPM पे पावर जनरेट करता है, काफी अच्छी बात है. मैक्सिमम टॉर्क में 13.9 का न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि 8,500 RPM पे पावर जनरेट करता है. यानी कि इसका जो बाइक का पावर एंड टॉर्क है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है 150 सीसी के हिसाब से. 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है. कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल्ड देखने को मिल जाता है. साथ में 4 वॉल्व में बाइक को डिज़ाइन किया है दोस्तों. ड्राई टाइप में चैनड्राइव देखने को मिल जाता है. साथ में दोस्तों, स्टार्टिंग टाइप में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन मिलता है, किक का ऑप्शन नहीं मिलता. फ्यूल सप्लाई में फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं, एंड FIB हम नॉर्मली कहते हैं. वहीं दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के ट्रांसमिशन के बारे में, तो वो आपको मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं. इस बाइक का जो बोर है दोस्तों, वो है 58 mm का, और जो बाइक की स्ट्रोक है दोस्तों, वो है 58.7 mm की. ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन का स्पेसिफिकेशन. बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के माइलेज के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है. ये बाइक दोस्तों आप लोगों को माइलेज में 45 to 50 के आसपास का हाईवे पे माइलेज दे देती है. साथ में 40 का माइलेज आपको ये बाइक सिटी में दे देती है. यानी कि माइलेज के मामले में भी बाइक काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, फीचर के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ. इस बाइक में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जी हाँ, फुली डिजिटल मीटर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है. वही दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में, तो इस बाइक में आप लोगों को स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल
जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, ABS लाइट मिल जाती है, फ्यूल गेज मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको इस बाइक में ऑल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कंपेरिजन टू अदर 150 बाइक्स। अब बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के चेचिस एंड सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को चेचिस टाइप में R15 का सबसे फेमस डेल्टा बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉडी टाइप स्पोर्ट नेकेड बाइक है ये, या जी हाँ स्पोर्ट नेकेड बाइक है, जैसे R15 जो है वो स्पोर्ट बाइक है, ये स्पोर्ट नेकेड बाइक है। वहीं दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाता है, साथ में रियर सस्पेंशन में इस बाइक में आप लोगों को लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यानी कि बाइक की जो सस्पेंशन है यामाहा की तरफ से काफ़ी अच्छी दी गई है और उसकी जो परफॉर्मेंस है यानी कि जो कंफर्ट क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है। साथ में बॉडी ग्राफिक भी आपको इस बाइक में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे दोस्तों इस बाइक के लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस बाइक का जो लेंथ है ओवरऑल वो है 2020 mm का, बाइक की जो वीट है दोस्तों वो है 800 mm की, और दोस्तों बाइक की जो ओवरऑल हाइट है, सीट हाइट नहीं, जो ओवरऑल हाइट है वो है 1070 mm की। जी हाँ 1070 की हमें इसकी बाइक की ओवरऑल हाइट देखने को मिल जाती है। साथ में बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है दोस्तों वो है 10 लीटर, जी हाँ 10 लीटर पेट्रोल आप इस बाइक में एक बार में डला सकते हो। वही दोस्तों इस बाइक की जो सीट हाइट है तो नॉर्मली वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। इस बाइक की दोस्तों सीट हाइट है 810 mm, यानी कि अगर आपकी हाइट 5.4 या उससे ऊपर है तो आप इस बाइक को कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। वही दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों वो है 170 mm का, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के कर्व वेट के बारे में। कर्व वेट यानी कि ऑयल एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी करने के बाद इसका जो वेट है दोस्तों वह 138 kg का, जी हाँ 138 kg की बाइक है यामाहा MT-15 BS6 मॉडल्स। वही दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के अब इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि इस बाइक में आपको जो लाइट्स मिलती है, इस बाइक में आप लोगों को जो लाइट मिलती है उस लाइट की वजह से भी बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस बाइक में दोस्तों काफ़ी अच्छी लाइट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लुक और एकदम यूनिक तरीके से यामाहा की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। बात कर लेंगे इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो हेड लाइट में आपको LED मिल जाती है, टेल लाइट में आपको LED मिल जाती है, टर्न सिंगल लैप में LED मिल जाती है, LED टेल लाइट्स मिल जाती है, बैटरी कैपेसिटी में 12 वोल्ट की 4 AH की बैटरी मिल जाती है। अगर इस बाइक में 6 AH की बैटरी 8 AH की बैटरी होती है तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है। साथ में लो ऑयल इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, यह भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम एंड टायर्स के बारे में। वही दोस्तों बात कर लेंगे टायर साइज के बारे में, तो इस बाइक में आप लोगों को फ्रंट टायर में 180 का टायर देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों इस बाइक में आप लोगों को रियर साइज में 140/70 का टायर देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों टायर टाइप में दोनों ही ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, व्हील टाइप अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, दोस्तों बाइक में आप लोगों को दोनों ही साइड देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों फ्रंट डिस्क के बारे में बात करेंगे तो 282 mm की डिस्क प्लेट आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है एंड 220 mm की डिस्क प्लेट आपको इस बाइक में रियर में देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों यामाहा MT-15 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। आप लोगों को बाइक कैसी लगी और कौन सा कलर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों जो यामाहा MT-15 है वो काफ़ी अच्छी बाइक है और एकदम बहुत ही प्यारी नेकेड बाइक है। बाइक का जो साइज़ है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों बात करेंगे इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में, तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी खास है और यामाहा का जो इंजन होता है आपको पता है बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है। मेंटेनेंस के मामले में यामाहा का इंजन काफ़ी अच्छा है, जापानीज टेक्नोलॉजी काफ़ी स्मूथली वर्क करता है और काफ़ी स्मूथली वो राइड कर सकते हो आप। इस बाइक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाइक जो कंफर्ट है, बाइक का कंफर्टेबल यानी कि जो बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसे हाईवे पे भी राइड कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वही दोस्तों टायर्स एंड ब्रेक्स में आपको बताया डुअल चैनल ABS भी, तो आपको इतने बड़े बड़े टायर्स आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं, तो टायर्स में भी बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक की चेचिस भी काफ़ी मजबूत है, बाइक का फुली स्पीडोमीटर मिल जाता है, LED लाइट भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, यानी कि जो सारे फीचर होने चाहिए थे वो यामाहा की तरफ से इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये बाइक पसंद आती है नहीं आती है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप यामाहा MT-15 BS6 मॉडल 110% परचेस कर सकते हो। 150 सेगमेंट में आपके लिए ये बाइक सबसे बेस्ट
हो सकती है। तो ये था दोस्तों यामाहा MT15 BS6 मॉडल का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगा तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें।